चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ CCL को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया था 19 मई 2024 को, जो बोर्ड की ऑर्डर थी उसको जमानत देने की, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए, रिव्यू करने के लिए ये एप्लीकेशन मूव किया था। उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमने हमारा जो कहना था, जो लॉ पॉइंट पे जो एकेडमिकली जो कहना है वो रिकॉर्ड पे रखा हुआ है, आज उसके ऊपर बहस हुई, दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट्स हुए, दोनों साइड से साइटेशंस कोट किए गए बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद नतीजा ये आया है कि ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इनको 5 जून 2024 तक एक रिहैबिलिटेशन होम इसमें रखने का आदेश दिया। इस दौरान उनका पूरा एक पैरामीटर सेट किए हुए कि इस 15 दिनों में इन्होंने क्या करना है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का काउंसिलिंग, जो भी उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी उसको ज़रूरत है मेंटल हेल्थ उसके ठीक करने की, उसके लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हुए। वो सारे डायरेक्शंस कल हम बता पाएंगे, क्योंकि आज स्पीकिंग ऑर्डर या रिटर्न ऑर्डर नहीं हुई, आज एक ऑपरेटिव पार्ट ऑफ ऑर्डर हुआ है, जो ऑर्डर हमारे हाथ में है कि सर्टिफिकेट, उसके बारे में हम लोग बात करें। देखिए, माइनर या एडल्ट इसके ऊपर जो बहस होनी चाहिए उसके लिए एक प्रोसीजर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो स्कीम है वो स्कीम ये कहता है कि अगर किसी नाबालिग को चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को अरेस्ट होती है या उसके ऊपर कोई FIR होती है, उसके एक महीने के बाद 30 डेज में चार्जशीट फाइल करते इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। चार्जशीट फाइल होने के बाद और 2 महीने की प्रोसीजर है जिसमें उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सोशल बिहेवियर, डी एडिक्शन, ये सारे पैरामीटर्स टेस्ट किए जाते हैं। उसके लिए उस माइनर को या उस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को किसी भी रिहैब होम में रहने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इन द लॉ। उस चीज़ के लिए अगर वो रिहैब होम से बाहर भी है फिर भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड रहेगा, उसके बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके पैरामीटर्स चेक करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट्स और कंप्लेंस रिपोर्ट्स फाइल होनी होती है, और उसके बाद मतलब आज से कम 90 डेज के बाद वेदर द पर्सन जो कंसर्न CCL है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को एडल्ट करके ट्रीट करेंगे या माइनर करके ट्रीट करेंगे, ये प्रोसीजर 90 दिनों के बाद आएगी, 3 महीने आरोपी काल मध्यप्राशन केलो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये सारे चार्जशीट में एविडेंस में आएंगे ना सील्ड कवर, इसके ऊपर आज तक हमको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उन्होंने कंजम्पशन किया था नहीं किया था इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब ये सील्ड एनवलप में चार्जशीट के बाद आएगा उसके बाद हमको पता, मतलब 30 दिनों के बाद पता चलेगा उनकी रिपोर्ट क्या है। लेकिन आपका कहना क्या है सर इस बार पूरे मामले पे? आई हैव नो इंस्ट्रक्शंस। सर एक सवाल यह है कि जिस कोर्ट ने पहले नाबालिग को जमानत दी थी आज वहीं पर वो जमानत रद्द करने की नौबत आई, इसके पीछे पुलिस ने क्या दलीलें रखी थी, किस वजह से वापस उसी कोर्ट ने ये जमानत रद्द कर दी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझिए, जो जमानत मिली थी वो जमानत रद्द नहीं हुई है, ये आप इसको कंसेप्चुअली समझिए। जमानत मिल जाती है किसी को, एक प्रोविजन होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जमानत कैंसिल करनी है उसका भी प्रोविजन होता है 439(2) CRPC के हिसाब से, उनको कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जाता है। आज उनकी जमानत रद्द नहीं हुई, इट इज़ नॉट कैंसिलेशन ऑफ बेल। कैंसिलेशन ऑफ बेल का मतलब है कि जो पहले के ऑर्डर थी उसको सेट असाइड करके किसी इंसान को वापस कस्टडी में ले, ये कस्टडी नहीं है, दिस इज अ रिहैब होम अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस स्कीम के हिसाब से इसको एक रिहैब होम कहा जाता है, उस रिहैब होम में उनको डिटेन करने का ऑर्डर जो है उसको मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर देना, इट इज नॉट कैंसिलेशन ऑफ। सर काय करेज वाटली मॉडिफिकेशन करायची, त्याचं ते जस्टिफिकेशन कोर्टाने दिलंय का? त्याचं जस्टिफिकेशन असं काय का असं वाटलं की सुरक्षित हे बघा,